हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें बेटा आज हमने प्रॉब्लम्स पढ़नी है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं ह्यूमन कैपिटल को। जब हम इंडिया में ह्यूमन कैपिटल तैयार करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हमने ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल को तैयार करने के लिए हमें ये चीज़ों से लड़ना पड़ता है। सबसे पहले है राइजिंग पॉपुलेशन, कि हमारी जो कंट्री है उसमें पॉपुलेशन बेहद है, तो इसका ह्यूमन कैपिटल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें इतने लोगों के लिए एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवानी होगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करवानी होगी, उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उतने ज़्यादा वाटर सिस्टम होना चाहिए, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम ये पढ़ते हैं, देखो रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, जितनी रैपिडली मतलब तेज़ी से राइजिंग बढ़ रही है पॉपुलेशन, एडवर्सली इफेक्ट यानी उसके बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी के ऊपर। अब इतने एजुकेटेड लोगों को कहाँ पे काम दिया जाए भाई। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी रिलेटिंग टू हाउसिंग। ये देखो उसने बोला कि जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वही कम पड़ रही हैं इन घरों के लिए, जैसे हाउसिंग हाउस घर पड़ रहे हैं, सैनिटेशन जो है नॉर्मल सी चीज़ें जो हैं वो कम पड़ रही हैं, ड्रेनेज जो है वो कम पड़ रहा है, वाटर सिस्टम हॉस्पिटल्स एजुकेशन पावर सप्लाई ये सभी चीज़ें नॉर्मल सी कम पड़ रही हैं। तो रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज लीड टू अ फॉल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज, इन फैसिलिटीज की कम होती हुई अवेलेबिलिटी जो है वो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको कम कर रही है। इन टर्न दिस लीड टू अ फॉल इन द कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, इससे जो लोगों को हमें खास तरह की स्पेशलाइजेशन देनी सी उसमें कमी पड़ रही है। आगे ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। ठीक है, ब्रेन ड्रेन का मीनिंग है माइग्रेट करना, कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं एजुकेटेड लोग हैं वो हमारी कंट्री से बाहर वाली कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे हैं या अपना इलाका चेंज कर रहे हैं। तो माइग्रेशन ऑफ अ पर्सन्स, देखो बॉर्न एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड इन इंडिया, जो इंडिया में जन्मे हैं, जो इंडिया में पढ़े हैं, इंडिया में अच्छी ट्रेनिंग ली है, टू डेवलप्ड कंट्रीज, जो बाहर वाली कंट्रीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। तो वो कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, कि हम ही तैयार कर रहे हैं लोग और हम ही हमारी कंट्री से वो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, हमारी कंट्री के लिए तो कुछ क्या करना है, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो दस वो डिसाइड टू, जैसे ये देखो ये ब्रेन ड्रेन, ये देखो पूरा तैयार हो गया, ठीक है, अपना सामान उठाया और चल दिया। ठीक है, तो दस वो डिसाइड टू माइग्रेट आर पर्सन्स ऑफ हाई कैलिबर सच एज साइंटिस्ट। ये देखो कौन कौन से होते हैं जिनका दिमाग बेहद ज़्यादा होता है, जैसे साइंटिस्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, एजुकेशनिस्ट हो गए, ऐसे लोग मूव कर रहे हैं हमारी कंट्री से, जो हमारी कंट्री को बहुत कुछ दे सकते हैं। दिस इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, इसको हम ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम बोलते हैं। दिस स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही कम कर दिया है। आगे डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, डेफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, कम होते जाना। ठीक है, तो देखो नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस ऑफ द एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री। उसने बोला कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई को ही ठीक करना ज़रूरी नहीं है कंट्री में लेबर की, हमें बहुत और चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे एज अ रिजल्ट इसका नतीजा क्या होता है, इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। वही है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी यार, इतनी पॉपुलेशन है तो इतने लोगों को हम भाई काम कहाँ पे देंगे, तो इतनी ज़्यादा जो है लोग वो अनपढ़ और बेरोजगार रह जाएंगे। अगर नहीं है तो वो कम पढ़ लिख के क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो इतने कम पढ़े लिखे लोगों को काम देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखो ये एक जॉब फेयर लगा हुआ है, जॉब फेयर में जॉब्स कितनी होंगी और देखो खड़े कितने हैं, देखो कितने बंदों को जॉब चाहिए। ठीक है ना,
तो ये है कि ना, इट इज़ अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। ये देखो, ये इससे ना एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कि हम जितना ह्यूमन से काम ले सकते थे उतना हम ले नहीं पा रहे। अगर इनसफिशेंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर, वही चीज़ है, जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे लोगों को समझाया ही नहीं जाता, बहुत चीज़ें जो है उनकी छूट जाती हैं। तो देखो, प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो हमारा खेती वाला सेक्टर होता है ना, उसकी बात करी गई है, तो एग्रीकल्चर इन पर्टिकुलर, ये तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी। वो तो कोई झूठ नहीं है कि इंडियन इकॉनमी की बैकबोन है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली और बदकिस्मती से हो क्या रहा है, इट हैज़ नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन द एरियाज ऑफ प्रोफेशनल स्किल। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि वो माइग्रेट करते जा रहे हैं, वो और धंधों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन खेती की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा भाई, ठीक है ना। और इसके रिलेटेड हम 2 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, द ट्रेडिशनल विजडम प्रीडोमिनेट्स द प्राइमरी सेक्टर। ये देखो, तो एंड दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर हाईली स्कैंट इफ नॉट लिस्ट, यानी कि लिस्टलेस। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि हमारी कंट्री में जो प्राइमरी सेक्टर है उसको बहुत बड़े तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, और लोग जो प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस एरिए का ध्यान नहीं रखा जा रहा। अकॉर्डिंगली देर इज़ अ सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्राइमरी सेक्टर। और इससे क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर की तरफ जो लोग बहुत कम रह जाएंगे, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे प्राइमरी सेक्टर के लिए। लो अकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एजुकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर नहीं चल रही। इन और इंथोसिज्म टू स्प्रेड हायर एजुकेशन वी हैव बीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटी। ये देखो, हम बहुत यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं। तो देखो बेटा, क्या वो बोल रहा है ना, वी हैव बीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटीज़, हमने बहुत यूनिवर्सिटीज़ खोल रखी हैं, अनमाइंडफुल ऑफ देयर अकेडमिक स्टैंडर्ड। लेकिन उनका अकेडमिक स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब कम लेवल के ऊपर जो है स्टडी मिलती है, मतलब बहुत रिच फैमिलीज़ के बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं, या फिर हम बोलें उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड उतना नहीं है जितना बच्चों को तैयार करने के लिए चाहिए होता है। कॉन्सिक्वेंटली नतीजा क्या होता है, वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बेक्ड ग्रेजुएट। ये देखो, हमें सिर्फ ग्रेजुएट तक के बच्चे मिल पाते हैं, एंड पोस्ट ग्रेजुएट तक ही मिल पाते हैं, हुज डेफिशिएंट स्किल्स ओनली लोअर्स एंड लेवल ऑफ एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, जिनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब हम भी देख लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे, ठीक है ना। आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो PhD के होंगे, है ना, आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो नेट क्वालिफाइड होंगे, या फिर किसी ने बहुत अच्छा टेस्ट क्लियर करा हो, या किसी के पास बहुत बेहतरीन स्किल हो, है ना। ये बहुत कम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एकेडमिक है ही नहीं इतना जितना होना चाहिए था, उससे बहुत ज़रा लेवल कम है, ठीक है। तो बेटा, इसके साथ ही मैंने आपका चैप्टर डन कर दिया है। ये 5th कंसेप्ट आपकी बुक में नहीं है, CBSE के सिलेबस में नहीं है, बुक में तो है, सिलेबस में नहीं है, ये कट कर दिया गया आपके सिलेबस में से, ठीक है। तो इसके साथ ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ ही आपका ये जो है चैप्टर वो हो चुका है डन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।